भाजपा के विकास यात्रा के तहत जगह जगह पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता जनता से मुखातिब हो रहे हैं। वहीं सिंगरौली में भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने भाजपा की उपलब्धियों और बजट के बारे में जनता को बताया। अपनी योजना और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए शिवराज सरकार विकास यात्रा कर रही है। शिवराज के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता जगह जगह जाकर अपनी योजनाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान सिंगरौली में भाजपा जिला अध्यक्ष रामसुमरन गुप्ता व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शीशकांत देव और अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता का साथ दिया है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज ने 25,000 भूमिहीनों को पट्टा दिया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 25,000 भूमिहीनों ने एक साथ पट्टा ग्रहण किया हो। 5 फरवरी से 25 फरवरी के बीच चल रही विकास यात्रा के बारे में रामसुमरन गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है। जिले में जहां भी कोई शिकायत मिलती है उसको तत्काल इस विकास यात्रा के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है। आपसे मिल पाना और ये जो हमारा बजट आया है और जो दूसरा हमारी जो विकास यात्रा चल रही है, तीसरे बिंदु जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूमिहीनों को जो 25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर पट्टा वितरण किया, ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा इतिहास है, हो सकता है देश में कहीं हो, शीघ्र एक जिले में 25,000 लोग एक साथ भूमिहीनों को पट्टा दिया जाना है, ये अपने आप में एक नया इतिहास है, इसलिए उस विषय को भी लेकर हम आए हैं। हमारी विकास यात्रा चल रही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शीशकांत देव ने कहा कि हमारी विकास यात्रा जनता की सेवा के लिए है। यह बजट दुनिया का सबसे अच्छा बजट है। हम अपनी योजनाओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सिंगरौली का विकास भाजपा के राज में ही होगा। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनाव में जाएंगे। शीशकांत देव ने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा को 51% वोट मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बजट को जनता के विरोध बताए जाने पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और ना ही नीति। एक तो बजट के विषय में बात बतानी थी, दूसरा संगठन के आगामी कार्यक्रम, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या क्या अभियान, इन सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए पत्रकार वार्ता माननीय जिला। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।